So we were doing about हेलो, हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग पवन जोत, मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक, यस मैम, अब आ रही है मैम, पहले नहीं आ रही थी। ओके। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल वी वर टॉकिंग अबाउट। So yesterday we had done about cell envelope. Then another structure, another is genetic material. हम इसमें क्या कहते हैं? ये अगर बैक्टीरियल सेल है, दिस इज मीजोसोम, और इसके साथ ये आपका डीएनए अटैच है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, दिस इज जेनेटिक मटीरियल। तो इट इज वन और टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड ही है, या एक मॉलिक्यूल या दो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अनदर थिंग, डीएनए नॉट एनक्लोज्ड इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट इज नॉट एनक्लोज्ड इन, इसके आसपास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, दस द जेनेटिक मटीरियल इज कॉल्ड एज, क्या हम वो कहेंगे इसको, कॉल्ड एज, इसको हम कोई न्यूक्लियस तो है नहीं, तो हम इसको स्यूडो न्यूक्लियस भी कह देते हैं, स्यूडो न्यूक्लियस या फिर जीनोफोर या फिर न्यूक्लियोइड, दिस इज वन एंड द सेम थिंग, ठीक है जी। अनदर पॉइंट, डीएनए इज सर्कुलर इन ऑल प्रोकैरियोट्स एक्सेप्ट, अगर याद है किसी को तो बताओ, इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, एक्सेप्ट किसमें डीएनए लीनियर होता है, मैंने बताया था आपको, एनीबडी हु रिमेम्बर, मैं थोड़ा सा आपको हिंट देती हूँ, ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है सियानो बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है आर्की बैक्टीरिया, ऑप्शन डी है माइकोप्लाज्मा। तो किसमें लीनियर डीएनए है जिसके दोनों एंड्स विजिबल है, करो याद जरा। हाँ जी जोरावर, आप बताओ बेटा, विच हैज लीनियर डीएनए, विच प्रोकैरियोट है लीनियर डीएनए, बेटा माइकोप्लाज्मा, देखोगे कॉपी तो वहां पे है लिखा हुआ है आपने, तो डीएनए इज सर्कुलर इन ऑल प्रोकैरियोट्स एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, विच हैज लीनियर डीएनए। सर्कुलर डीएनए का मतलब है टू एंड्स नॉट विजिबल, कहाँ को है दो एंड्स पता नहीं, कहाँ से शुरू होता है कहाँ से खत्म होता है हमें नहीं पता, तो डीएनए इज सर्कुलर। अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट, सेकेंड अगर हम इसमें कहें कि इन सम बैक्टीरिया, सभी में नहीं, इन सम बैक्टीरिया देयर इज
एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। आपको भी क्रोमोसोम कौन सा है बेटा, इसको क्रोमोसोम ही बोलते हैं या फिर हम क्रोमोसोम सिंपल क्रोमोसोम। ये तो सभी में है ठीक है, बट कईयों में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, इससे अलग एक सर्कुलर डीएनए है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल कॉल्ड एज प्लाज्मिड। ठीक है जी, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड, और ये जरूरी नहीं है कि सब में हो ठीक है। इट मे बी एब्सेंट इन सम बैक्टीरिया, तो हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया इसके बगैर सर्वाइव कर सकता है। इट कैन रेप्लीकेट, रेप्लीकेट मतलब अपने जैसा बनाना, एक और जब डिवीजन हो रही है तो एक और बनता है क्योंकि दूसरे सेल में भी प्लाज्मिड जाएगा। इट कैन रेप्लीकेट इंडिपेंडेंट ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, इसकी फंक्शनिंग इस पे डिपेंडेंट नहीं है, ये अपना काम कर रहा है। वो कहता है तू अपनी जगह है और मैं अपना काम करूंगा। एंड इट हैज फ्यू जीन्स सच एज नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन्स, देन जीन्स फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये जीन्स हो सकती है एक्सेप्ट, और भी कुछ हो सकती है बट ये जीन्स है राइट, कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स या नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन्स, बट जो सर्वाइवल के लिए जीन्स चाहिए है वो जीनोफोर में प्रेजेंट है, दिस इज जीनोफोर। दिस इज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है लिखो पहले ये जल्दी से और फिर सबने मुझे बताना है। देन थर्ड वी कम टू एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो पहला जैसे आपको पता ही है फर्स्ट इज मीजोसोम, तो साथ साथ लिख लो मीजोसोम आपको पता है एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद विच क्या अटैच है, पहले सुन लो तुम्हें, विद विच न्यूक्लियर मटीरियल या क्रोमोसोम इज अटैच या न्यूक्लियोइड इज अटैच, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, मीजोसोम हेल्प्स इन डिवीजन ऑफ द सेल, डिवीजन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, और थर्ड थिंग इन सम केसेस द एंजाइम्स फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन आर एसोसिएटेड विद मीजोसोम, राइट। तो लिख लो मीजोसोम इज द extension of plasma membrane into the cell, it may be present in the form of second point ya likhe extensions of plasma, ek to mesosome nahi hai, extensions of plasma membrane may be present
in form of vesicles tubules and lamella. है ये एक ही जैसे स्ट्रक्चर हो जाते हैं. Vesicles are like this, tubules are like this, lamella are like this. ठीक है, एक स्पेसिफिक है मेसोसोम, और एक्सटेंशंस भी हो सकती है जैसे वेसिकल्स की फॉर्म में, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में या लेमिला की फॉर्म. फंक्शंस ऑफ एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आपने पूरा लिखना एक्सटेंशन क्या है. पहला मैंने आपको बताया अटैचमेंट ऑफ जीनोफोर, सेकेंड है हेल्प्स इन रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन ऑफ द डबलिंग, रेप्लिकेशन ऑफ जीनोफोर. जब डिवीजन हो रही है तो ये जीनोफोर डबल हो जाएगा क्योंकि दूसरे सेल में भी जाना है, तो ये जो एक्सटेंशन है दीज हेल्प्स इन रेप्लिकेशन ऑफ जीनोफोर, हेल्प्स इन डिवीजन ऑफ सेल. प्रोकैरियोटिक सेल की डिवीजन में भी दीज एक्सटेंशन हेल्प्स. ठीक है जी, नेक्स्ट है इन सम केसेस these extensions are associated with enzymes of aerobic respiration. Aerobic respiration and thus helps in respiration. Thus, helps in respiration. Next है, these extensions का और क्या function है? Helps in इंक्रीजिंग, ये देखो मैंने इंक्रीजिंग का क्या साइन लिखा है तो पता होना चाहिए आपको, इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर मोर डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस. And also increases contact with enzymes. ठीक है, जैसे हमने कहा aerobic respiration के enzymes associated है, तो ये ज्यादा folded होंगे तो surface area बढ़ जाएगा, जिसके कारण ज्यादा enzymes associated होंगे, rate of respiration बढ़ता है. So these are the functions of extensions of prokaryotes. ठीक है जी, एक और लिख लो पॉइंट, वन पॉइंट मोर. इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड सियानोबैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया इज ब्लू ग्रीन एल्गी, अलग से प्रोकैरियोट है. Plasma membrane extensions form chromatophores.
क्लोरोप्लास्ट तो है नहीं, क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट है, और इन क्रोमेटोफोर्स का क्या फंक्शन है, विच हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, या विच आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो किसमें, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में और सियानोबैक्टीरिया में, ये एक्सटेंशन क्या बना रही है, क्रोमेटोफोर जो क्लोरोफिल के साथ एसोसिएटेड है एंड हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, इज इट राइट, ठीक है, सो दीज क्रोमेटोफोर्स, आप पूरा लिखना, हैव फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए हो गई या बैक्टीरियो क्लोरोफिल हो गई, ये हो गई, राइट, सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कर लो जल्दी से, स्टार डाल के लिखना है इसी के नीचे, मीजोसोम इज द स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स ओनली, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स ओनली। अच्छा बेटा, इससे पहले जेनेटिक मटेरियल में आपने प्लाज्मिड के बारे में लिखा था, है ना, प्लाज्मिड में एक पॉइंट लिख लो बच्चे, स्टार डाल के, प्लाज्मिड कन्फर्स मतलब देना, कॉन्फर, हम कॉन्फर करते हैं ना किसी को, तो प्लाज्मिड कॉन्फर्स सम यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स, फिनोटिपिक मतलब एक्सटर्नल, फिनोटिपिक मीन्स एक्सटर्नल, सर्टेन या सम फिनोटिपिक कैरेक्टर्स टू द बैक्टीरियल सेल्स having plasmid, to the bacterial cells having plasmid, aur plasmid mein hi ek point aur, it is used to monitor bacterial transformation into another bacterial cell and with foreign DNA. Plasmid DNA is used to monitor, दोबारा से बोल रही हूँ, plasmid DNA is used to monitor, देखने के लिए, bacterial transformation into other type of bacterial cells and with foreign DNA. तकरीबन सेम ही है कि किसी foreign DNA से भी ये कंबाइन कर सकता है, ठीक है जी, सो ये है एक्सटेंशन, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा फ्लैजिला,
bacteria can be motile, पहले ध्यान से सुनो ये, फिर लिखना, motile और non-motile. नॉन मोटाइल ऐसे नहीं कि शिफ्ट नहीं हो सकते बेटा, वो हवा पानी से इधर से उधर चले जाते, खुद नहीं मूव कर सकते. ठीक है, मोटाइल बैक्टीरिया है फ्लैजेला. फ्लैजेला जो है हम कहेंगे बैक्टीरियल फ्लैजेला. Composed of eukaryotic नहीं, bacterial हम बात कर रहे हैं. किसका बना होता है? Composed of protein, flagellate. It is composed of the protein, flagellate. Then इट हैज, ये होती है बेसल बॉडी. उसके बाद दिस इज हुक एंड ये जो है दिस इज द एक्सपोज्ड फिलामेंट जो बाहर नजर आता है. ये क्या है? बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट. जो बेसल बॉडी है इट हैज रिंग्स जिसके बीच में ये रोटेट करता है फ्लैजेला. ठीक है, या दो रिंग्स होते हैं या फोर रिंग्स होते हैं, दीज आर रिंग्स. अगर हम बैक्टीरिया देखें ये तो हमने बहुत मैग्निफाई करके दिखा दिया. तो दिस इज बेसल बॉडी, दिस इज हुक एंड दिस इज फिलामेंट. ठीक है, अगर हम इस तरह से देखें बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट. तो ये जो दो है दीज आर एम्बेडेड इन सेल एनवेलप. ओनली फिलामेंट इज एक्सपोज. ठीक है जी, तो ओनली filament part is exposed. जो basal body है basal body has two rings in gram positive bacteria. And
4 rings in gram negative bacteria. Rings ka kya function hai? Rings helps in rotational movement of bacterial flagella. ठीक है, क्या है कि फ्लैजेला रोटेट होते हैं और आगे बढ़ जाता है बैक्टीरिया, फिर रोटेट होते हैं फिर आगे बढ़ जाते हैं. तो इस तरह बैक्टीरियल फ्लैजेला दे परफॉर्म रोटेशनल मूवमेंट. जब हम यूकेरियोट्स में आएंगे तो हम बताएंगे दे परफॉर्म लीनियर मूवमेंट, बट हियर बैक्टीरियल फ्लैजेला परफॉर्म रोटेशनल मूवमेंट. राइट, तो पहले ये करो, डायग्राम दोनों अच्छे से बनाओ और फिर हम आगे चलते. चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा फिब्रिया एंड पिल्लाई. फोर्थ हमने किया था फ्लैजेला. पिल्लाई एंड fimbria, these are also surface structures. Pillai, ye dekhiye, zyada nahi hoti, 1-3 pillai ho sakti hai. And fimbria are hairy structures. ये आ जाता है फ्लैजेला, ये है पिल्लाई और ये है फिम्ब्रिया. राइट, तो नेक्स्ट है तो पिल्लाई की हम बात करते हैं. पिल्लाई आर 1-3 इन नंबर. फॉर्म्ड बाय फर्टिलिटी फैक्टर. फर्टिलिटी फैक्टर मतलब F gene present on plasmid. तो ये उसी में ही present होगा पिल्लाई जिसमें plasmid है और plasmid में ये F फैक्टर है. बेटा जरूरी नहीं है कि प्लाज्मिड हो तो F फैक्टर भी होगा सभी प्लाज्मिड में. नहीं, किसी में है किसी में नहीं है. प्लाज्मिड होगा उस पे F फैक्टर होगा तभी पिल्लाई बनेगी. फॉर्म ऑफ प्रोटीन, क्या नाम है प्रोटीन का? पिल्ले. फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन है बेटा it helps in isme plasmid hai pillai ne ek tube banayi aur iske sath join kiya उसके पास जिसके पास प्लाज्मिड नहीं है पिल्लाई नहीं है. तो दिस इज कॉन्जुगेशन ट्यूब. ठीक है, और ये प्लाज्मिड रेप्लिकेट करता है
और वन प्लाज्मिड से इसमें चला जाता है, ठीक है। ये हमने कहा था कॉन्जुगेशन, राइट। सो पिलाई हेल्प्स इन कॉन्जुगेशन बिटवीन डोनर एंड रिसिपिएंट बैक्टीरिया। तो ये क्या हो गया, ये डोनर बैक्टीरियम हो गया और ये रिसिपिएंट हो गया, ठीक है। तो पिलाई ने क्या बनाया, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाया। और फिर इसके बाद यहाँ पे ये आपने डायग्राम इसके साथ बनाना है, फिम्ब्रिया, फिम्ब्रिया आप देख रहे हो हेयरी स्ट्रक्चर, ये सिर्फ अटैचमेंट विद द होस्ट या सबस्ट्रेटम, किसी रॉक के साथ बैक्टीरिया अटैच हो रहे हैं, तो कौन अटैचमेंट में हेल्प करता है, फिम्ब्रिया अटैच करता है। तो फिम्ब्रिया मेनी हेयरी स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन फिम्ब्रिन, helps in attaching with substrate. So, अगर कोई आपसे पूछे which are the surface structures in bacteria, तो three types, flagella, pili, fimbria. Flagella helps in locomotion, pili helps in conjugation, fimbria helps in attachment. ये करके तीन एक बॉक्स में लिख लेना, सरफेस स्ट्रक्चर्स ये तीन है, क्या फंक्शंस है वो लिखो जल्दी से। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स एंड इंक्लूजन्स। इंक्लूजन्स का मतलब है जो स्टोर करते हैं, जो स्ट्रक्चर्स कुछ स्टोर करते हैं, दैट आर इंक्लूजन। इंक्लूजन को हम और क्या बोल सकते हैं, स्टोरेज बॉडी। ठीक है जी, तो ध्यान में ये रखना है कि प्रोकैरियोट्स हैव, लिखना कुछ नहीं सुनना है पहले, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या मतलब, डबल मेम्ब्रेन कहां पे होती है, हमारे में यूकैरियोटिक सेल्स जो है उनमें डबल मेम्ब्रेन है। क्या डबल मेम्ब्रेन है, कि हर ऑर्गेनेल की अपनी मेम्ब्रेन है और फिर सारे स्ट्रक्चर्स को एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे अगर हम अपने घर देखें तो हमारे में क्या है, किचन की अपनी दीवार है, बेडरूम की अपनी दीवारें हैं, ड्राइंग रूम की अपनी दीवारें हैं और एक कॉमन वॉल है, राइट, दैट इज डबल मेम्ब्रेन, राइट। तो इस तरह से ये यूकैरियोटिक, बट एक अगर हम बहुत छोटे से सिंपल से हट में चले जाएं, तो वही साइड में क्या है, गैस पड़ी हुई है, वही जरा सा कर्टन करके उन्होंने बाथरूम बनाया हुआ है, वही दूसरे कोने में सोफा रखा हुआ है, बेड रखा हुआ है, सो दे हैव लाइक हम कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। सो सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज क्या मतलब है इसका, all structures are enclosed by plasma membrane only, they are covered by plasma membrane only, right। और हम कह सकते हैं और membraned organelles such as mitochondria, chloroplast, endoplasmic reticulum,
Golgi, etc. are excellent. तो प्रेजेंट क्या है? They have 70S ribosomes. ये ribosomes के वेट के अकॉर्डिंग है 70S. Which are ribosomes क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि ये membraneless है. इनके पास अपनी मेम्ब्रेन नहीं होती. Each ribosome has two subunits. Fifty S and 30S. ऐसे नहीं कहना कि 50+30 तो 80 हो जाता है. नहीं, जब दो चीजें कंबाइन करती है तो वेट उनका कम हो जाता है. राइट, मतलब कम इन एडिशन. तो दे आर 70S. 50S और 30S जब कंबाइन करता है तो वेट कितना हो जाता है? 70S. अगर हम दिस इज स्मॉलर सब यूनिट 30S, दिस इज 50S. ये है 70S राइबोसोम. राइबोसोम्स का क्या फंक्शन है? राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्रीज. ये फैक्ट्रीज है. फैक्ट्रीज में जो इंफॉर्मेशन आई कि क्या बनाना है, वो कहां से आती है? वो आरएनए से आती है. ठीक है, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम अटैच विद एमआरएनए. एमआरएनए की फुल फॉर्म आप ब्रैकेट में अगर नहीं पता तो लिख सकते हो, मैसेंजर आरएनए. टू फॉर्म पॉलीसोम, या फिर हम इसको बोलते हैं पॉली राइबोसोम. ये देखिए, हम ये है एमआरएनए और इसके साथ ये बहुत सारे इस तरह से राइबोसोम्स अटैच हैं. This is polysome, right? So this structure is called as polysome. Polysome helps in protein synthesis. इसमें जो ये mRNA है, it has the information. Ribosomes have the machinery. So ribosomes with the help of information form protein. ठीक है, ये सारी process हम plus two में करेंगे. अभी तक आपको इतना पता होना चाहिए. ठीक है जी, जल्दी से लिख लो ये. mRNA has information for protein synthesis. mRNA has information for protein synthesis. And the ribosomes has the protein synthetic machinery. Has the protein synthetic machinery. Full stop करते. Thus,
राइबोसोम्स ट्रांसलेट्स द एमआरएनए, ट्रांसलेट्स मतलब उसकी इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट्स टी आर ए एन एस एल ए टी ई एस, ट्रांसलेट्स द एमआरएनए इनटू प्रोटीन, ये अंडरलाइन कर लेना पूरी लाइन, राइबोसोम्स ट्रांसलेट्स द एमआरएनए इनटू प्रोटीन। नेक्स्ट आ जाता है बेटा इंक्लूजन बॉडीज या स्टोरेज बॉडीज। तो इंक्लूजन बॉडीज वो है स्टोरेज बॉडीज विच स्टोर ग्लाइकोजन फैट्स फॉस्फेट सल्फर गैसेस एक्सेट्रा। ठीक है जी, तो वी हैव मतलब बैक्टीरिया है ग्लाइकोजन बॉडीज वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स पॉलीफॉस्फेट बॉडीज सल्फर ग्रेन्यूल एंड गैस वैक्यूल। राइट, यहां से पता चल रहा है इट स्टोर ग्लाइकोजन इट स्टोर फैट्स इट स्टोर फॉस्फेट इट स्टोर सल्फर एंड गैस वैक्यूल। और यहां पे मुझे आपको क्या बताना है कि गैस वैक्यूल present only in blue green algae, green bacteria and purple bacteria which are aquatic गैस वैक्यूल प्रोवाइड बायंसी। जीवी का क्या मतलब है गैस वैक्यूल, दे प्रोवाइड बायंसी टू दीज बैक्टीरिया। ठीक है, लिखो जरा जल्दी। तो दिस इज ऑल अबाउट योर बैक्टीरियल सेट, राइट। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा एक रह गया है That is cyanobacteria. मतलब ये बैक्टीरियम सेल का स्ट्रक्चर या प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर एक ही बात है। लास्ट टॉपिक इसमें हमारा है दैट इज cyanobacteria. सियानोबैक्टीरिया या फिर हम इसको और क्या बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, सियानोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, इनके क्या फीचर्स हैं
ऑल एक्वेटिक, ऑल फोटोसिंथेटिक, सभी ब्लू ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हैज क्लोरोफिल ए फॉर फोटोसिंथेसिस, पीएस मतलब फोटोसिंथेसिस, यूज वॉटर एज हाइड्रोजन डोनर, देयरफॉर रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और इस फोटोसिंथेसिस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। अगर आपके पास रेड पेन है जो होना चाहिए, ठीक है, तो इसको अंडरलाइन कर लेना, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। देन सियानोबैक्टीरिया डू नॉट हैव फ्लैजेला, एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल। सम ब्लू ग्रीन एल्गी आर हेट्रोसिस्टस फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी या फिलामेंटस फॉर्म्स। इसका क्या मतलब है, हेट्रोसिस्टस का क्या मतलब है, दे हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड एज हेट्रोसिस। So these are heterocysts, thick walled structures. और heterocysts का क्या function है? These are, ये क्या है? ये है vegetative cells. These are small green photosynthetic and can divide involved. ये क्या है, ये है heterocyst, लार्ज है, नॉन ग्रीन होते हैं ये, अगर नॉन ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस करेंगे ही नहीं ऑब्वियस है, थिक वॉल्ड है, कैन नॉट डिवाइड, और फंक्शन क्या है, एंड फिक्स नाइट्रोजन। So these helps in fixing nitrogen. Example क्या आ जाता है, such as nostoc, anavina, olocyra. उसके बाद एक एल्गी है, एक ब्लू ग्रीन एल्गी है स्पायरुलिना, नॉन हेट्रोसिस्टस है, फिलामेंटस है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है, रिच इन प्रोटीन्स।
तो इसको ड्राई करके एज प्रोटीन पाउडर भी लोग खाते हैं, राइट? सो दीज आर साइनोबैक्टीरिया, ठीक। और यहाँ पे एक पॉइंट लिखो कि दे फोटोसिंथेसाइज लाइक एल्गी, but are kept in kingdom monera. Plant में नहीं shift किया algae की तरह से है, monera में क्यों रखा? Due to its prokaryotic structure. True nucleus नहीं है, जो में cell wall है वो murine की present है. So, it has prokaryotic structure, इसलिए इसको bacteria के साथ monera में रख दिया. Otherwise, अगर इसके functions देखें, तो वो algae की तरह से है, जिसको हम plantae में consider करते हैं, right? Then, इसी के साथ बीच में यहाँ पे लिख लेना, यहीं पे लिख लो, all aerobic respiration. So this is about cyanobacteria. So this is all about kingdom monera. ठीक है जी, ये monera हो गया.